हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं हूँ शांतिनी और संडे, आज है फ्राइडे। संडे को मेरे घर एक पूजा है, गृह शांति की पूजा। जब एक्चुअली साथ तक एडमिट था तो मैंने सोचा था कि एक वो जब वापस आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब मैं एक पूजा रखूंगी। तो थोड़ा डिले हो ही गया, पर फाइनली मेरी पंडित जी फिक्स हो गई है। और उस दिन हमारा न्यू ईयर है, बंगाली न्यू ईयर है, और उसके दिन उस दिन पूर्णिमा होती है। और उस दिन मुझे पंडित जी मिल गए, सब मिल गया। आज बस मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, उसकी जो लिस्ट है पंडित जी ने मुझे पकड़ाई है, और मैं पहली बार अपने घर में पूजा कर रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलो। सो मैं यहाँ गुब्बू को लेके ना पंडित जी के पास मिलने आई, और क्योंकि मुझे लिस्ट का ना कंफर्मेशन चाहिए था। सो मैं और गुब्बू आज मंदिर में गए और आरती देखी, शांति देखी कि नहीं, कैसी लगी गुब्बू आरती? अच्छा लगा ना? हाँ, गुब्बू ने पहली बार ऐसी शाम की आरती देखी। ये सदर बाजार में गुप्ता स्टोर है जहाँ से मुझे सारी सामान मिल गई, पर मुझे बार बार पूरा लिस्ट पकड़ के चेक डाउन करना पड़ रहा था ताकि कोई भी आइटम मुझसे मिस ना हो। पूजा का सारा सामान हमने खरीद लिया है और इसको हमने ना डिगी में रखा है, और इसको ना हम अभी डिगी में रखेंगे। कल पूरी घर की सफाई होगी, उसको सफाई करने के बाद ये सारी चीज़ें कल ही खोलेंगे, और कल ही एक बार लिस्ट डाउन, क्योंकि परसों पूजा है कि नहीं, तो कल एक बार प्रॉपर देख लेंगे क्या है क्या नहीं। सिर्फ मेरी दूध, दही, मिठाई और पान पत्ते बाकी है, क्योंकि आज खरीद दूंगी तो वो खराब हो जाएंगे, तो वो कल ही शाम को राजीव भैया को भेज देंगे। ठीक है, इसको इसी में रखते हैं। पहले हमने सोचा था जिस रूम में मंदिर है कि उसी रूम में पूजा करेंगे, फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर पूजा करनी। अब इसकी सफाई करने से पहले ये कारपेट उठाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और भारी सोफा हटाना, ये सब मेरे बस की तो थी नहीं, तो मुझे एक्चुअली सबने हेल्प किया। सो हेलो गाइस, तो आपने देखा कि सुबह से हम लोग जुट गए हैं पूजा की तैयारी में, और आप अगर पीछे देखोगे वो कारपेट और जो सेंट्रल टेबल है वो हटा दिया है, और पूरी जगह अच्छे से एकदम डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। बस मुझे सोफा को जो है एक बार वैक्यूम करना है, और ये एरिया डन है। पहले तो हमने सोचा था कि हमारा जो गेस्ट रूम है, मंदिर रूम है, वहां पर पूजा करेंगे, पर वो जगह काफी कम है क्योंकि दो पंडित जी आएंगे, हम दो बैठेंगे पूजा पे, हवन होगी, तो आई थिंक ये एरिया थोड़ा बड़ा है तो यहाँ आराम से पूजा हो पाएगा। मुझे ना सारे रूम्स के चादर भी चेंज करने थे, तो ये वाली जो चादर है ना, ये मेरी मम्मा ने खुद अपने हाथों से बनाया था, और आई होप वो वीडियो में देखकर खुश होंगे कि मैंने ये बिछाया हुआ है। पर ये बदमाश को देखो, मतलब कोई भी चादर बिछाओ, कुछ भी करो, इसको चढ़ना ही है चाहे जो हो जाए। और सच बता रही हूँ, ये सारे काम मैंने अकेले नहीं किए, मुझे काफी सारे एक्चुअली सभी लोगों ने अपनी अपनी तरह से हेल्प किया। बहुत वेरी गुड बुक्कू, इसी तरह तो तुम सीख जाओगे एकदम, और मम्मा के अच्छे बच्चे। सफाई के साथ साथ खाना भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वही सारे खाना बनाए जो जल्दी जल्दी से हमारे ना बन जाए। वो ये इस सीजन की होपफुली पहली बारिश है ना? पहली बारिश है, और ये मजा आ गया है। ओ, और हमारा ब्राउनी आ गया है, वो देखो ब्राउनी। और कैस्पर को मैं निकाल रही हूँ क्योंकि सीधा वो बारिश में भीगेगा पूरा कीचड़ लेके बेड में, और इतना अच्छा लग रहा है ना। और हमेशा ही मुझे ये जो गर्मियों के टाइम पे जब बारिश होती है ना, बहुत मजा आ जाता है। मजा आ गया। गुब्बू, ये देखो गुब्बू झूला झूल रहा है। गुब्बू ज्यादा पास नहीं, गीले हो जाओगे बिल्कुल। ये हवा इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम मन खुश हो गया मेरा। आज थोड़ा मैं टायर्ड हो ही रही थी कि अभी सुबह से मैं काम कर रही हूँ, रेस्ट नहीं मिला। आई थिंक मुझे मिल गई रेस्ट। ये और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर कोई भी आप काम करने जाओ उसमें बारिश हो जाए तो ये बहुत शुभ है। तो मेरी पूजा होने वाली है, फर्स्ट पूजा मेरे घर में मैं जो ऑर्गेनाइज करूंगी, मतलब बिना किसी बड़ों के हेल्प के, और उसमें ये बारिश का होना, आई थिंक ये तो जरूर कोई एक अच्छा इंडिकेशन। सो फाइनली मैंने लास्ट डे सोफा को भी एक बार प्रॉपरली वैक्यूम कर दिया, क्योंकि मेरे यहाँ डॉग्स आते जाते रहते हैं ताकि कोई भी बाल ना हो, तो मैंने फिर से और एक बार इसे वैक्यूम कर लिया, और सारी जो डस्ट है ना वो भी चली गई। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे, और मेरा जो भोग बनाना है वो शुरू हो चुका है,
और 11 बजे का टाइम है, होपफुली मैं तब तक नहा धोकर एकदम रेडी हो जाऊंगी। मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, हाथ मुंह धो के ड्रेस चेंज करके रात का मैंने भोग बना लिया है, नहाया नहीं है अभी जाकर। अब आधा मेरा भोग बन गया है, जब थोड़ा सा और हो जाएगा ना फिर कविता दीदी आ जाएगी, उनके ऊपर हैंड ओवर करके मैं चली जाऊंगी, नहा के रेडी एकदम मस्त हो जाऊंगी। और वेदर देखो, आज ऐसा लग रहा है आज मेरा ही दिन है, आज सच में मेरा दिन है, आज प्लान किया और इतना अच्छा वेदर है। मतलब कल सारी रात बारिश हुई है और एक ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, ताकि जब हवन वगैरह हो ना तो गर्मी ना लगे, मतलब कंफर्टेबल हो, क्योंकि फैन तो चला नहीं सकते हैं ना। सो आई होप सब कुछ अच्छा। सो आज भोग के लिए मैंने खीर बनाई थी, ये चावल की खीर थी, और साथ में मैंने ये सूजी का हलवा बनाया था, फिर खिचड़ी बनाई थी, पूरी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी जैसे कि पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं खुद नहा धो के फुल रेडी हूँ, और ये जो ड्रेस है ना ये मम्मी ने मुझे स्पेशली न्यू ईयर के लिए दिया था, और सार्थक भी रेडी हो चुका है, और एक जन अभी नहा धो के रेडी होने वाला है, राइट गुप्पू? जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, पंडित जी आने वाले। ये सारा आप अंदर शिफ्ट कर देते हैं ना, पंडित जी आने वाले हैं, है ना? सारे अंदर। कैस्पर, आमी किन्तु एमन बोले कि इच्छुक हो बेना, किन्तु तुम्ही कोच्छो। सो राजीव भैया, मासी सब आ चुके हैं पूजा के लिए, और मेरा कैशू ये हटने को रेडी नहीं है, वो मैं जहाँ रहूँगी जहाँ पूजा होगा उसको वहीं बैठना है, आई होप वो मुझे करने दे पूजा इस बार। सो पंडित जी भी आ गए हैं और उनका भी सारा जो रेडी करना था वो रेडी हो चुका है। और यहाँ सडनली कैस्पर छूटकर सीधा यहाँ जंप मार के आ गया, और हमें था कि जो भी भगवान की ये जो हमने पीढ़ी बिठाई है फूल है कहीं वो ख़राब ना कर दे, पर वो इतना स्मार्ट था, वो जंप मार मार के सोफे में गया, और हम बहुत चाहते थे कि वो रूम में आराम से एसी में बैठे और यहाँ ना हो, पर नहीं, उसको पूजा देखनी थी। और पंडित जी भी काफ़ी काइंड थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो एक्चुअली कैमरे के नीचे था इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम पूजा में थे। पूरा पूजा उसने उस गर्मी में, क्योंकि फ़ैन नहीं चल रही थी, हवन हो रही थी, वो वहीं पे बैठा रहा, देखता रहा, और मैं सच बता रही हूँ इतना अच्छा लग रहा था ना कि ये जो हवन करने के बाद ना मतलब एक अजीब सी पॉजिटिविटी सी छाने लगी कि जो भी हमारे प्रॉब्लम से हम गए ना अभी ऐसा लग रहा है कि सारे दूर हो जाएंगे वो सारे प्रॉब्लम्स। और साथ में कन्या पूजा भी था, ये हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था कि कन्या पूजा करना है, सडनली वो कविता एंड आरती ने कहा कि मैम कन्या पूजा भी कर दो, तो वो भी मेरी हो गई है, और मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने ये प्लान किया कि हर साल मैं ये पूजा करूंगी, एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे।